चीन भले ही बार बार खुद को भारत के मुकाबले ज्यादा ताकतवर मानता हो, लेकिन भारतीय सेना के जाबाजों के किस्से भारत में ही नहीं, चीन में भी सुनाए जाते हैं। भारत और चीन के बीच हुआ 1962 का युद्ध इस बात का गवाह है। साल 1962 को भारतीय सेना के लिटमस टेस्ट के तौर पर याद किया जाता है। इस युद्ध में निसंदेह भारत हार गया था, लेकिन इस युद्ध में ऐसे ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ चीन के बड़े सैनिक काफिले के पैर वापस चीन की ओर मोड़ दिए थे और सेना एक बार की भाग खड़ी हुई थी। इन जाबाजों के लिस्ट में शुमार है राजस्थान के जैसलमेर से ताल्लुक रखने वाले मेजर शैतान सिंह, जिनका नाम लेते ही चीनी सेना आज भी उस मंजर को याद कर सिहर उठती है। जब भारत के शैतान सिंह ने थोड़े से सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों पर टूट पड़े थे और 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को भून डाला था, उस वक्त सिर्फ 37 साल की मेजर शैतान सिंह 13वीं कुमाऊनी बटालियन की सी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों देशों में भयंकर युद्ध चल रहा था। इसी बीच मेजर को 350 जवानों को साथ लेकर रेजांगला दर्रे में हमला करने का ऑर्डर दिया गया। मेजर ने इन्हीं सैनिकों के साथ रेजांगला दर्रे में चीनी सैनिकों पर धावा बोल दिया और एक एक करके चीनी सैनिक गिरने लगे। इन सैनिकों की अगुवाई खुद मेजर कर रहे थे। अब तक मेजर को कई गोलियां लग चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। मेजर शैतान सिंह की सामरिक सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व की वजह से इस मोर्चे पर भारतीय सेना ने 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस जंग में मेजर भी शहीद हो गए थे। उस वक्त लड़ाई बर्फीली चट्टान पर चल रही थी। मेजर के शव सहित 114 जवानों के शव उस बर्फीली चट्टान में दफन हो गए। लगभग 3 महीने बाद मेजर के परिजनों के निवेदन पर सेना के जवानों ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ शहीदों के शवों को तलाशना शुरू किया। वहां मेजर का शव भी मिला, जिसे देखकर हर कोई दंग था। कहा जाता है कि मेजर ने लाइट मशीन गन को अपने पैरों पर बांध लिया था, क्योंकि हाथों पर उन्हें गोली लग चुकी थी और वो पैरों के बल गोलियां चला रहे थे। शव को निकालने के वक्त भी वो उसी पोजीशन में मिले, जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे अब भी वोट कर दुश्मन से लोहा लेने को तैयार हैं। महज 37 साल की उम्र में मेजर शैतान सिंह अपने देश के लिए खुद को कुर्बान कर गए, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। मेजर शैतान सिंह की बहादुरी और शहादत को हमारा भी सलाम। Indian Links.